हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। पिछला दो वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझा, कॉस्ट शीट बनाएंगे कैसे, कौन सा एक्सपेंसेस कौन सा हेडिंग में जाएगा, उसको हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया। ठीक है, इस वीडियो से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2019 तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस वीडियो को हम तीन पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट जो होगा उसमें ईयर 2017 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बाद बाकी जो रिमेनिंग पेपर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2019 का क्वेश्चन से। क्वेश्चन सामने आप लोगों का स्क्रीन पे है। फॉलोइंग डेटा आर टेकन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर इन रिस्पेक्ट ऑफ मंथ ऑफ मार्च 2019। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ मार्च 2019 का। स्टॉक इन हैंड फर्स्ट मार्च 2019। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था, हम लोग का एक साल का अकाउंट बनता था, लेकिन यहाँ पे एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, छह महीने का भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ ये वन मंथ का क्वेश्चन है। कौन सा मंथ है, मार्च 2019, मार्च 1 जो पहला डेट है उसका कुछ बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक का बैलेंस, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तीन तरह का टोटल स्टॉक होता है, तीनों का ओपनिंग बैलेंस दिया, उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का एक और नाम है प्रोडक्टिव वेजेस, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब इनडायरेक्ट हो गया, वर्क एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग द फॉलोइंग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करना है और हम लोग को दिखाना है क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3B। कॉस्ट शीट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, जब हम लोग कॉलम बनाएंगे तो अगर क्वांटिटी दिया हुआ है, स्टॉक का क्वांटिटी है, एक यूनिट कॉलम बनेगा और उसके बाद अपना मर्जी है पर यूनिट कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ओवरहेड, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ओवरहेड बहुत सारा, उसको ऐड करने के लिए एक अलग कॉलम हम लोग को बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम लोग और कॉलम का दरकार नहीं, एक ही कॉलम में काम हो जाएगा। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल बैठाते हैं, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। इसमें ऐड होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेज करने के टाइम में जितना भी खर्च हो, जैसे केज इन्वॉल्व, फ्रेट इन्वॉल्व, वो सब का सब यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया हम लोग का 21,900, दोनों का ऐड करके 46,900, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 26,250। ठीक है, और यहीं पे अगर लॉस बोला हुआ है, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस करना होता है। ठीक है, लॉस भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे हम लोग स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, जो लॉस को बेच के पैसा मिलेगा, और एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है तो उसका कॉस्ट यहाँ पे माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, 25,000 प्लस 21,900 माइनस 26,250, बैलेंस आ रहा है 20,650। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहले हेडिंग, जैसे पॉइंट नंबर हमने क्या बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के बाद डायरेक्ट वेजेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे 17,150 एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो गया 21,650 प्लस 17,150, 37,800। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद पहला ओवरहेड जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री का सारा खर्च आता है, क्या क्या आएगा वो पिछला वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखना।
और उस वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी दे के रखे हुए हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क ओवरहेड भी बोला जाता है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे गिवन है वर्क एक्सपेंसेस, यहाँ पे गिवन है 8430। ठीक है, और जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेज है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही जाता है। यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव वेजेस भी दिया हुआ है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस हुआ 830 और कोई फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में नहीं, दोनों का सम हुआ 69260। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू होता है वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड कब निकलेगा, अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है तो। अगर वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में नहीं है तो डायरेक्ट वर्क कॉस्ट होगा या फैक्ट्री कॉस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे तो वर्क इन प्रोग्रेस है 37800 9260, 47060। ठीक है, अब वर्क कॉस्ट इनकर्ड के नीचे हम लोग को ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, किसी भी तरह का स्टॉक का, चाहे रॉ मेटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्वेश्चन में दिया हुआ 8220 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 9100 प्लस 8 46180। ठीक है, ये जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा वर्क कॉस्ट होगा। तो पॉइंट नंबर सी, वर्क कॉस्ट निकालने बोला है। ठीक है, वर्क कॉस्ट के बाद बैठा था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया 3160। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3160 49 340। ठीक है, ऑफिस ऐड करने के बाद क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे आता हम लोग का फिनिश गुड्स, ओपनिंग ऐड करना, क्लोजिंग लेस करना। ओपनिंग फिनिश गुड्स 17360 ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, 17360 और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया है क्वेश्चन में 15750। ठीक है, ऐड लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम यहाँ पे ऊपर दिखा देते हैं, एड लेस कर गया 49340 प्लस 17360 माइनस 15750 50,950। ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 5 बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 59 50 59 50। कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के बाद यहाँ लास्ट ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। ठीक है, अब इसका अंदर क्या क्या जाएगा उसका लिस्ट हम पिछला वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4210 ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 59 50 प्लस 4210 55 160। उसके बाद टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो फाइनली क्या निकलेगा, सेल्स निकलेगा। तो क्वेश्चन में सेल्स तो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में सेल्स है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स 72,310। ठीक है, जब सेल दिया रहेगा तो कॉस्ट से सेल्स माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा माइनस 17,150। ठीक है, ये हो गया 2019 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब 2019 का ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, खुद से ट्राई करना है।
सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब प्रिपेयर कोशिश फ्रॉम द फॉलोइंग सेल्स गिवन है, सेल्स तो सबसे आखिर में आएगा, उसके बाद मटेरियल फर्स्ट डेट का दिया हुआ, लास्ट डेट का दिया हुआ, ठीक है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग है। तो ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल सबसे स्टार्टिंग बैठा है, उसमें परचेज ऐड करते हैं, फिर क्लोजिंग क्या करते हैं लेस करते हैं। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे आता है, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। उसके बाद मटेरियल परचेज स्टार्टिंग बैठाते हैं, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री हो गया, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ बोला है कॉस्ट शीट, और उसके बाद लास्ट जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको खुद से ट्राई करना, टोटली फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा। अब बढ़ते हैं 2018 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी इंडस्ट्रीज फॉर द कैलेंडर ईयर 2017। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में आएगा, उसके नीचे क्या दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज क्या होता है प्लस होता है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा, फिर केज इन्वॉल्व, परचेज करने के टाइम में जो भी फ्रेट केज ड्यूटी लगे वो सब क्या किया जाता है, एड दिया जाता है, ठीक है। केज भी दो तरह का होगा, इनवर्ड एक आउटवर्ड, इनवर्ड बोला है तो परचेज के साथ एड हो जाएगा, आउटवर्ड बोला तो सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। वेजेस दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा प्राइम कॉस्ट का पार्ट, और इनडायरेक्ट जो वेजेस या मटेरियल होता है फैक्ट्री ओवरहेड का हेडिंग में जाएगा। अदर डायरेक्ट चार्जेस है, अदर डायरेक्ट चार्जेस प्राइम कॉस्ट, रेंट रेट्स फैक्ट्री का भी दिया हुआ, ऑफिस का भी दिया हुआ, फैक्ट्री का फैक्ट्री में चला जाएगा, ऑफिस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। उसके बाद इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हुआ। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड डेप्रिसिएशन अगर प्लांट एंड मशीनरी का है फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट का है तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, वैन का है तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। डेप्रिसिएशन दो है, प्लांट का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में दिखा देना है, या दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और वैन का होगा उसको सेलिंग में दिखा देंगे। सैलरी ऑफिस का है ऑफिस ओवरहेड में गया, सेल्समैन का है सेलिंग ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड में। मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन ऐसे ऑफिस में जाता है लेकिन इसका कुछ एडजस्टमेंट है जो आगे मिलेगा। अदर सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में गया, सेलिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन का सारा खर्च सेलिंग में चला जाएगा, ठीक है। कैरिज एंड फ्रेट, कैरिज एंड फ्रेट यहाँ पे दो बार, एक होगा इनवर्ड और दूसरा अगर कुछ नहीं बोला तो आउटवर्ड होगा। इनवर्ड पहले बोला हुआ है, अगर आउटवर्ड है तो सेलिंग ओवरहेड हुआ, ठीक है। सेल सबसे लास्ट में बैठाते हैं, एडवांस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन रिजर्व हम लोग को सीट में आता है। इसके बाद एडजस्टमेंट है, इसका एक और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बैड डेट जो होता है हम लोग का सेलिंग ओवरहेड है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो सेलिंग ओवरहेड नहीं होता, उसको नहीं दिखाना है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन इज टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो 2:1:3, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन है 2:1:3 के रेशियो में फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग के बीच में बांट देना, बोला प्रिपेयर पोस्ट सीट, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, 2019 न्यू कोर्स, यहाँ पे दो कॉलम का दरकार है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ओवरहेड्स है। कॉस्ट शीट पहले आ जाएगा रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, उसके बाद इसमें ऐड होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 85,000, और परचेज के साथ ही कैरिज इनवर्ड, ठीक है। कैरिज इनवर्ड नीचे दिया हुआ 5,000, ऐड करने से आएगा 1,15,000, टोटल जो निकलेगा उससे लेस करना होता क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन टोटली जो फॉर्मेट है उसका बेसिस पे आता है, बस दो तीन कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग जो वैल्यू बचेगा उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो
रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 75,000, ठीक है। फिर रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड होगा डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस, फिर डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट वेजेस हो गया हम लोग का 75,000 एंड डायरेक्ट चार्जेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस दिया हुआ 5,000, ठीक है। अदर डायरेक्ट चार्जेस है 15,000, तो यहां पे हो गया 90,165। इसको बोलेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद जितना भी फैक्ट्री ओवर हेड है उसको ऐड कर लेना, फैक्ट्री ओवर हेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ, रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट एंड रेट्स, बहुत तरह का फैक्ट्री ओवरहेड है, सबको यहाँ लाइन से ऐड करेंगे। रेंट एंड रेट्स हो गया 5,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग रेंट ऑफिस का है, ऑफिस का ऑफिस में दिखाएंगे। इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल सब फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया हम लोग का 500। इसके बाद डेप्रिसिएशन दो है, प्लांट का और ऑफिस का, डेप्रिसिएशन और प्लांट, प्लांट कहीं पे आएगा ऑफिस का ऑफिस में चला जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो गया हम लोग का 1,500। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफिस पर जो ऑफिस में जाएगा, सैलरी ऑफिस और सेल्समैन का है, ऑफिस का ऑफिस में सेल्समैन का सैलरी। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये 5,700 दिया हुआ, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,700। इसके बाद हम लोग का एक और है मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन, जो तीनों ओवरहेड में जाएगा, एमडी रेमुनरेशन। क्वेश्चन में क्या बोला, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन है वो 2:1:3 का रेशियो में बांट रहा है, तो यहाँ पे जाएगा फैक्ट्री में टोटल रेमुनरेशन यहाँ पे 12,000 है, 12,000 2:1:3 फैक्ट्री में पहला जाएगा, पहला ओवर फैक्ट्री है 2:6, ठीक है। ये आ गया हम लोग का 4,000, तो फैक्ट्री ओवर का सम करके अमाउंट आएगा 5,000 प्लस 500 प्लस 15 प्लस 5,700 प्लस 4,000, टोटल आया 16,700। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवर इक्वल टू होता है वर्क्स कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। आगे आता हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन वर्क क्वेश्चन में तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया, हम लोग का वर्क पोस्ट हुआ, ठीक है। अब वर्क पोस्ट के बाद हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड्स, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। अब यहाँ पे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत तरह का खर्च है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का रेंट हो गया यहाँ पे 500, जैसे हम लोग यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड को दिखाए बिल्कुल वैसे दिखाना, हम एक साथ टोटल करके हमें डायरेक्ट अमाउंट बैठा दे रहे हैं। ऑफिस का रेंट है 500, उसके बाद ऑफिस का फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 400, ठीक है। इसके बाद हम लोग का अदर ऑफिस एक्सपेंसेस बोला हुआ 700। इसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन, तीन पार्ट में होगा, 2:1:3 बोला था, 2:6 यहाँ आ गया, 1:6 यहाँ पे आएगा, तो 12,000 का 1:6, 12,000 into 1:6, 2,000, ठीक है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर का रेमुनरेशन होगा, तीनों ओवरहेड में बांटने बोला। इसके बाद हम लोग का और कोई ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो टोटल ऑफिस ओवरहेड ये हो गया 916,3600, ठीक है। 185,300 ऑफिस ओवरहेड एड करके जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, 185,300। इसके बाद क्या होता है, ऑफिस ओवरहेड एड करने के बाद हम लोग का फिनिश गुड्स आता है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना है हम लोग का 185,300, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में है कि नहीं पहले देख लेना, नहीं है इसका मतलब इसका हम लोग को दरकार नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का कोई दरकार नहीं, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। इसके बाद आखिरी ओवरहेड बचेगा हम लोग का सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स,
ठीक है, सब लाइन से लिस्ट वाइज बैठाते जाना है, हम एक साथ टोटल करके बैठा दे रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में पहला सैलरी ऑफ सेल्स मैन, सैलरी ऑफ सेल्स मैन, ठीक है, सैलरी ऑफ सेल्स मैन हो गया 2500। इसके बाद हम लोग का मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन बोला है, वो तीनों में आएगा, दो में तो बैठा चुके हैं। यहाँ पे आएगा एमडी का जो पैसा है 12000 का 3/6, पहला में 2 गया, दूसरा में 1, तीसरा में 3 जाएगा, मतलब 6000, ठीक है। इसके बाद सेलिंग अदर सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस है 1000, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन, सेल्समैन का जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, वैन का जितना भी खर्चा होगा सब हम लोग का सेलिंग होगा 1100। इसके बाद हम लोग का केज एंड फ्रेट आउटवर्ड है 1400, केज एंड फ्रेट आउटवर्ड 1400, ठीक है। और एडवांस इनकम टैक्स इसमें आता नहीं है। और लास्ट हो गया एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग ओवरहेड, फाइनली सब ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगा 2500 प्लस 6000 प्लस 1000 1100 1400 2000, ठीक है, 14000 हुआ सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। टू लाख 2300 ये टोटल आया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ऐड होता है हम लोग का प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो फाइनली क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन में तो सेल्स दिया हुआ है, सेल्स हम लोग का है 2,50,000, ठीक है, सेल्स है 2,50,000, तो फिर जो डिफरेंस आएगा मतलब 47,700 वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये 2018 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन, ये 2018 का था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 2018 का ओल्ड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे, पहला दिया हुआ हम लोग का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में बैठाते हैं, उसके बाद मेटेरियल परचेज ऐड होगा, ठीक है। मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अब रिटर्न टू सप्लायर का मतलब जो सामान खरीद के लाया उसमें से कुछ वापस हो गया है, तो उसको क्या करना, माइनस कर लेना। मेटेरियल परचेज है वहीं पे माइनस कर लेंगे, परचेज है 150 और रिटर्न है 2000, माइनस करके 148 आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस सब प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, फॉर्मेट के हिसाब से दिया क्वेश्चन। फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट दिया, बोला क्या, मटेरियल कंज्यूम निकालो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है, परचेज में रिटर्न माइनस होगा, प्राइम कॉस्ट निकालना, वर्क कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स निकालना, ठीक है। इसको आप लोग फॉर्मेट के हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 2017 का पेपर, पहले ओल्ड कोर्स उसके बाद न्यू कोर्स। ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द कोस्ट रिकॉर्ड ऑफ आदित्य केमिकल लिमिटेड फॉर 2016, फिनिश गुड्स ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। ओपनिंग दिया हुआ, ओपनिंग तो पूरा फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्लोजिंग तो क्या करना है, लेस करना है। डायरेक्ट लेबर मटेरियल के बाद आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, ठीक है। हीट लाइट एंड पावर फैक्ट्री का खर्च है, फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री में जाएगा, रिपेयर टू प्लांट फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री सप्लाइज फैक्ट्री में जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दोनों का हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स दिया है, रॉ मटेरियल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस दिया, ठीक है। नो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ खर्च दिया है, सिंपल फॉर्मेट बेस क्वेश्चन है। पहले मटेरियल बैठाएंगे, वेजेज ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो, उसके नीचे वर्क कॉस्ट और WIP ओपनिंग ऐड करना, क्लोजिंग लेस करना, वर्क कॉस्ट निकलेगा। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस बैठा तो ऑफिस है नहीं, ठीक है। ऑफिस के बाद हम लोग बैठा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड बैठाते हैं, सेलिंग ओवरहेड भी इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करना है। आप देखते हैं 2017 का न्यू कोर्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ कि क्वांटिटी दिया, क्वांटिटी जो दिया रहेगा थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है,
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। स्टॉक रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया, फिनिश गुड्स में क्वांटिटी दे दिया हुआ, ठीक है। और जो क्वांटिटी होता है नॉर्मली फिनिश गुड्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ एक पेपर में ऐसा हुआ था जहाँ पर रॉ मटेरियल का क्वांटिटी दे दिया था, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का क्वांटिटी जब दिया जाए तो बहुत दिक्कत है उस क्वेश्चन में, ठीक है। स्टॉक क्लोजिंग भी दिया, रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, केज इनवर्ट मटेरियल परचेज से ऐड होता है, केज आउटवर्ड सेलिंग आउटवर्ड में जाएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, तो सबसे आखिर में बैठाते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹25 पर टन सोल्ड, 32,000 टन वेयर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट पर टन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब फॉर्मेट करेंगे तो ध्यान रखना है कुछ बात, जब क्वांटिटी दिया जाएगा पहले तो पार्टिकुलर्स आएगा, उसके बाद एक यूनिट्स कॉलम, दूसरा अमाउंट कॉलम और तीसरा पर यूनिट लास्ट में बैठा रहे, इसलिए इसका कोई खास जरूरत नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों बैठा रहे हैं, इस क्वेश्चन में पर यूनिट निकालने बोला है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो पर यूनिट अलग से निकाल कर दिखा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा कॉपी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, ठीक है। फिर इसमें ऐड होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। परचेज के साथ ही केज इनवॉल्व आता है, केज इनवॉल्व भी क्वेश्चन में है 720, केज इनवॉल्व, प्लेट इनवॉल्व 720, इन तीनों का ऐड कर गया 70,720। लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में 12,120 दिया हुआ, ऐड लेस करके जो अमाउंट आएगा वो होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, 70,720 माइनस 58,600, ये पहला आंसर आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बैठाना है डायरेक्ट वेजेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट वेजेस है 50,000, तो मटेरियल प्लस वेजेज इक्वल टू होता है हम लोग का प्राइम कॉस्ट, तो ये होगा 1,08,600। फिर ऐड होगा इसमें ओवरहेड, पहले तो बैठाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री को वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री वर्ड में दिया रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑन वर्क 20,000, अब अलग अलग है तो लिस्ट बनाकर दिखाना, हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 20,000 और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, सुपरवाइजर का पैसा 4,000 रुपये, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ओवरहेड नहीं है, तो टोटल 24,000 ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट इनकर्ड, लेकिन इनकर्ड कब निकलेगा क्वेश्चन में, WIP वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, तो इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। ऐड करके आएगा 1,32,600। इसके बाद ऐड होगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ 2,400 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 8,000, ठीक है। WIP ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं लोग वर्क्स कॉस्ट, मतलब 127 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑफिस अगर होता तो एक्ट पे हम लोग क्या निकलता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जहां पे क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे क्वांटिटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का हम लोग क्वांटिटी दिया हुआ है, तो वहां पे क्वांटिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही बैठाने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही हो गया, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, यही से हम लोग क्वांटिटी बैठाना स्टार्ट करेंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो क्वांटिटी बैठाएंगे वो जितना गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ वो बैठाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड कितना हुआ, 32,000, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्शन 32,000 है। अगर नहीं होता तो उसका निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू होता हम लोग का प्रोडक्शन। तो पहले प्रोडक्शन निकाल लेना, वही प्रोडक्शन यहाँ पे बैठाएंगे 32,000। फिर इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे 8,000 हम लोग क्वेश्चन में दिया और क्लोजिंग स्टॉक 16,000 दिया। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2,000 टन, ठीक है। अमाउंट डायरेक्टली पता है और अमाउंट पोस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या करना है ऐड कर लेना है और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का 4,000 है, ठीक है, 16,000 ऐड लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हुआ 30,000 और इधर हो गया 127 प्लस 8,000 माइनस 16,000, ठीक है, 1,19,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में जो क्वांटिटी निकलते हैं होता है हमारा सेल्स इन यूनिट, इतना पीस का उसने सेल किया। इसके बाद हम बैठाएंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकला COGS 30,000 यूनिट्स और 1,19,000, इसमें ऐड होगा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड्स। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्वेश्चन में बोला है 25 पैसे पर यूनिट सोल्ड, सेलिंग ओवर सेल्स के हिसाब से निकलता है। सेल्स तो यहाँ पे हुआ है 30,000 यूनिट ये, ठीक है, इनटू 25 पैसा करके तो ये आएगा 7,500, ऐड करो तो 1,26,500, ठीक है। ऐड करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वो होगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यूनिट सेम 30,000 और अमाउंट होगा 1,26,500। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो फाइनली हम लोग का निकल जाएगा सेल्स, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में सेल्स दिया रहता है नॉर्मली। तो सेल्स यहाँ पे है 1,50,000, फिर जो डिफरेंस आएगा 26,500 हम लोग के लिए क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये हो गया 2017 से लेकर 19 तक का जो कोर्स का क्वेश्चन उसका सोल्यूशन। अगले वीडियो में हम लोग बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।